अस्सलामु अलैकुम। हम आपके साथ भिंडी बनाने की रेसिपी शेयर करेंगे। भिंडी, प्याज, कोथमीर, टमाटर ये सब को कट करके बाजू में रखें। और एक कढ़ाई लीजिए, भिंडी को डालकर भून ले 2 मिनट के लिए। जब भिंडी भून जाए तब इसको निकाल लें। एक पैन लीजिए, पैन गरम हो जाए तब इसके अंदर 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कीजिए। ऑयल गरम होने के बाद इसके अंदर प्याज ऐड कीजिए। और मिला लें। प्याज इस तरह से फ्राई होने के बाद इसके अंदर ऐड कीजिए जिंजर गार्लिक पेस्ट 1/2 टीस्पून। टर्मरिक पाउडर ऐड कीजिए 1 टीस्पून। लाल मिर्ची पाउडर ऐड कीजिए 1/2 टीस्पून। नमक ऐड कीजिए और मिला लें। मिलाने के बाद इसके अंदर ऐड कीजिए भिंडी को। और इसको भी मिला लें और कुछ देर पकाएं। पकाने के बाद इसके अंदर ऐड कीजिए टमाटर। और मिला लें। कुछ इस तरह जब भिंडी और टमाटर गल जाए और तेल ऊपर आए तब इस तक पकाइए। इमली जो भिगा के रखे हैं इसका जूस निकाल लें इस तरह से निकाल कर इसमें ऐड कीजिए। ऐड कीजिए और मिला लें। और 1 गिलास पानी ऐड कीजिए। ग्रेवी कुछ इस तरह होनी चाहिए। इमली का कच्चापन दूर होने तक इसको इसी तरह पकाइए। तब कच्चापन दूर हो जाए
और ग्रेवी को बॉईल आने तक पकाएं। तब इसके अंदर ऐड कीजिए धनिया पत्ता, कोथमीर। पकने के बाद कुछ इस तरह सर्व कीजिए। इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। रेसिपी कैसी लगी कमेंट कीजिए। और लेडी फिंगर से कौन कौन सी रेसिपी चाहिए कमेंट करके बतलाइए।